आज हम लोग बात करेंगे नेपाल के उस इशू के बारे में जिसके ऊपर इंडिया वर्सेस नेपाल चल रहा है और बहुत सारे नेपाली इंडिया को अब्यूज़ कर रहे हैं इनडायरेक्टली और इंडिया की बहुत बड़ी बड़ी टेरिटरीज को अपना बताने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारे इंडियंस नेपाली इसको अब्यूज़ कर रहे हैं कि वो लोग चाइना से मिल गए हैं और तमाम अच्छा नहीं लगता है। और इसमें ये लोग बहुत दो तीन चीज़ें बहुत बेसिक भूल गए, उनमें से एक सबसे बेसिक चीज़ जो लोग नज़रअंदाज कर रहे हैं और उससे ये लड़ाई ही ख़त्म हो जाएगी, ये मैं बाद में बताऊँगा। पहली चीज़, अब प्रॉब्लम जान लेते हैं और इसकी कंडीशन क्या ये जान लेते हैं। इसकी जड़ आपको अंग्रेज़ों के ज़माने में मिलेगी। जब नेपाल में राजाओं का राज था तो अंग्रेज़ों ने लड़ाई जीतने के बाद या जो कह दें उनको उस नेपाल के राज्य को सीमित कर दिया दो नदियों से और उसके बाद डिसाइड किया कि इसके ज़्यादा इसके आगे आपका नेपाल नहीं है। अंग्रेज़ों को एक बार लगा कि हमने थोड़ा सा हिस्सा उनको ऐसा दे दिया जो हमारे काम में आ सकता है, वो है आज का विवादित हिस्सा। उन्होंने वो वापस ले लिया अनऑफिशियली मैप में इंट्रोड्यूस करा के। बस एक नदी के नहर का फ़र्क था कि मोटी नदी जा रही है जो मेन नदी और एक कट के जो नदी जा रही है उन्होंने ले लिया। उस वक्त के राजाओं को कोई दिक्कत नहीं थी, उसके बाद की पॉलिटिकल पार्टी से कोई दिक्कत नहीं थी, भारत के आज़ाद होने के बाद कोई दिक्कत नहीं थी, सब कुछ दिक्कत अभी के समय से पहले कोई दिक्कत नहीं थी, डेमोक्रेसी आने के बाद भी कोई दिक्कत नहीं थी, सब कुछ चला। कुछ लोग ये कह रहे हैं इंडिया में या बाकी कंट्रीज़ में कि नेपाल में कम्युनिस्ट पार्टी का रूल है, चाइना में भी कम्युनिस्ट पार्टी का रूल है, तो चाइना के इन्फ्लुएंस की वजह से कुछ इन्फ्लुएंस में आके नेपाल इंडिया से बगावत करना चाहता है और वो हिस्सा वापस चाहता है। अब ऐसा है नहीं है, अगर कोई मुझे नेपाली देख रहा है तो मुझे ज़रूर कमेंट बताए अगर उसको कुछ थोड़ा बहुत भी पता है कि नहीं मैं यहाँ रहता हूँ, पॉलिटिकल ग्राउंड्स मुझे पता है, ऐसा है या ऐसा नहीं है वो मुझे बता सकता है। पहली चीज़ है कि नेपाल अपनी जगह पे इसलिए सही है कि जब ब्रिटिशर्स ने उनको वो हिस्सा दिया तो सबसे पहले जब ट्रीटी हुई, जब कोई एग्रीमेंट हुआ तो वो हिस्सा जो आज की डेट में विवादित है वो उनको दे दिया था, ठीक, अनऑफिशियली बाद में मैप डिक्लेयर करके अपने फ़ायदे के हिसाब से वो हिस्सा वापस ले लिया। दिक्कत किसी को नहीं हुई, दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए थी। अब क्यों नहीं होनी चाहिए थी उसका लॉजिकल रीज़न आप सुनिए। और उसका एकमात्र सॉल्यूशन है जिस पर कोई ध्यान क्यों नहीं दे रहा मुझे समझ में नहीं आ रहा और आज भी प्रैक्टिस किया जा रहा है, बहुत समय से प्रैक्टिस किया जा रहा है। सबसे पहली चीज़ ध्यान रखने वाली बात है कि उस वक्त से लेके आज तक इंडिया और नेपाल में कोई बॉर्डर इशू थे ही नहीं। आप बिना पासपोर्ट वीज़ा के ट्रैवल कर सकते हैं कहीं भी, आप उस हिस्से में भी जो सो कॉल्ड विवादित है वहाँ भी बिना पासपोर्ट वीज़ा के जा सकते हैं। जो रोड बनी है जो मानसरोवर को ले जाती है, जो 5 दिन का सफ़र 2 दिन में तय करा देती है, जो आप सिक्किम से घूम के जाते थे, उस रोड का फ़ायदा भी नेपाली और इंडियन दोनों ले सकते हैं। बहुत बड़ी संख्या में नेपाली लोग इंडिया में बहुत बड़े बड़े पदों पर हैं, आर्मी में भी हैं और काम भी करते हैं। नेपाल आज जाके एक ऐसी टेरिटरी, बस एक बॉर्डर डिफाइन कर दिया गया है कि वो एक नेपाल है, एक अलग कंट्री है, वो भी एक हिंदू कंट्री ही है। अगर बहुत अगर आप हिस्ट्री में जाके वो हिस्सा चाहते हैं अपने इगोइस्टिक नेचर के लिए कि भैया मेरी मर्ज़ी, जब मैं चाहूँगा लूँगा, जब मैं चाहूँगा नहीं लूँगा, मैंने बहुत पहले लिया फिर छोड़ दिया, फिर मैं चाहता हूँ फिर वापस ले लूँ, तो ऐसे दुनिया में कई कंट्रियों का बंटवारा हुआ है जो आज की डेट में डिमांड करते हैं कि मुझे वो हिस्सा चाहिए क्योंकि पहले हमारी टेरिटरी में आता था। तो फिर ऐसे तो बस टेंशन पैदा होगी, सिविल वॉर होगी या फिर वर्ल्ड वॉर हो जाएगी, कुछ भी हो सकता है, लेकिन किसी का कोई फ़ायदा नहीं है। और स्पेसिफिकली जब इंडिया और नेपाल की बात है जहाँ पे ऐसे संबंध हैं कि आपको पासपोर्ट वीज़ा तक की ज़रूरत नहीं है, आप फ्रीली कहीं भी रोम करिए कोई दिक्कत नहीं है, और वहाँ की और यहाँ की हिस्ट्री पुरानी जाए, बहुत पुरानी, ब्रिटिश रूल से पहले, मुगल रूल से पहले, तो इंडिया नेपाल में कोई फ़र्क नहीं था। बस जैसे प्रिंसली स्टेट चलते थे कि राजाओं का राज्य था, उसी तरीके से वहाँ पर राज था। चंद्रगुप्त के टाइम पे अगर जाएँ तो बहुत बड़ी टेरिटरी इंडिया की उसने कवर की थी, मैक्सिमम कहें मुगलों से भी ज़्यादा, तो उसमें भी नेपाल आता था। तो देखा जाए तो ये नेपाल भी अखंड भारत का हिस्सा है। कोई मुझसे डिसएग्री करे तो मुझे कमेंट बता देना, और एग्री करे तब भी। तो लॉजिक ये बनता है और आज की में सॉल्यूशन ये बनता है कि भले डिस्प्यूट है, आप नेपाल की जनता, पॉलिटिकल पार्टीज़ को और इंडिया की जनता भी ये सोचे कि हम नेपालियों को अब्यूज़ ना ही करें तो अच्छा है, और ये सोचिए कि डिस्प्यूट हो ना हो, बॉर्डर हमारे पास रहे ना रहे, हमारे लिए वो जगह वैसी ही है जैसे आप एक गांव से दूसरे गांव में जाते हैं, एक घर से दूसरे घर में जाते हैं। आपको ना कोई एलिनेशन फील हो रहा, ना आपकी कोई डिसरिस्पेक्ट कर रहा, ना आपको कोई ह्यूमिलिएट कर रहा, ना आपको कोई फ़र्क नहीं, आप उसको अपना हिस्सा मानते हैं, अपना हिस्सा मान के जाइए, सो सिंपल। तो उस हिसाब से तो POK भी हमारा है, लेकिन हम वहाँ जा नहीं सकते, ये डिफरेंस है। उस हिसाब से पाकिस्तान भी हमारा है, मैं है इसलिए बार बार बोल रहा हूँ कि हिस्टोरिकली मैं इसको कनेक्ट कर रहा हूँ, आप भी हिस्टोरिकली कनेक्ट करिए।
सब कुछ एक अखंड भारत का हिस्सा था, एक बड़े पैकेज का हिस्सा था। अब छोटे छोटे टुकड़े अगर अपने आप को अलग मानने लग जाए तो उससे वो अलग हो नहीं सकते। अगर मेरा हाथ कट को कट के गिर जाए तो मैं क्या कहना बंद कर दूंगा कि वो मेरा हाथ नहीं है क्योंकि मुझसे अलग हो गया है, तो मुझे तो तकलीफ होगी, मेरा मेरे बॉडी का एक हिस्सा कम हो गया तो मुझे तो तकलीफ होगी। उसी तरीके से सब कुछ एक अखंड भारत का हिस्सा है। आप जरा सोच के देखिए, देश के लिए सोचिए, सबके लिए सोचिए, पॉलिटिकल पार्टी से हट के सोचिए। इस पूरी प्रॉब्लम का उससे अच्छा समाधान नहीं हो सकता कि डिस्प्यूट होने के बाद वो हिस्सा कहाँ रहता है उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप अभी भी उतने ही फ्रीली रोम कर सकते हैं बिना पासपोर्ट वीज़ा के, बिना किसी हिचझिझक के। बाकी इंडियन गवर्नमेंट नेपाल से प्यार से बात करे, बातचीत करके ठीक करे। बाकी नेपाली भी कह रहे हैं कि इस चीज़ का समाधान बात करके ही होगा, तो वो लोग भी बात करना चाहते हैं और हम लोग भी बात करना चाहते हैं, बात करके हम लोग देख लेंगे। इससे एक ये कोई बात हुई बड़े भाई छोटे भाई वाली बात हो गई कि आपस में कुछ नोक झोंक हो जाती है, सब ठीक हो जाती है। तो इसमें आप चाइना को अपनी पॉलिटिक्स मत खेलने दीजिए और देश विरोधी ताकतों को अपना खेल मत खेलने दीजिए। अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर किसी ने अब तक मेरे नए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे लिंक दे दिया मैंने डिस्क्रिप्शन में, कर सकता है, मैंने एक वीडियो डाली, देख सकता है। लेकिन डिस्क्लेमर ये है, किसी को गाली गलौज और हार्श भाषा से परहेज हो या रूढ़ भाषा से परहेज हो और सुन भी नहीं सकता बिल्कुल, तो वो दूर रहे, इस बात को इग्नोर कर दे कि मैंने कुछ कहा है सब्सक्राइब करने को, उस चैनल की बात कर रहा हूँ। और इस पर बने रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।